नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके न्यूज पॉइंट पर। और अगर बात करें आज के टॉपिक की, तो कश्मीर में इन दिनों बहुत हलचल देखने को मिल रही है, चाहे वो कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित हो या फिर दूसरी जगह से आए हुए नॉन लोकल्स हो। उन सब पर एक टेरर अटैक जो है, और टारगेटेड बाय टेररिस्ट जो है, ये एक ऐसा मुद्दा चल रहा है जिससे हर कोई जो है खौफजदा है। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे श्रेया के पास। श्रेया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इन दिनों श्रीनगर के हालात जो हैं वो कुछ ठीक साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो इन दिनों टूरिस्ट का आना जाना भी बहुत लगा है, और जो लोग ऑलरेडी वहां पर रह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं खौफजदा है, दहशत में रहने को मजबूर है। क्या कुछ अपडेट जो है इस पूरे हवाले से आ रही है, जरा बताइए। जी प्रियंका, बिल्कुल। हमें एक पैटर्न जो है पिछले साल भी देखने को मिला था अक्टूबर में, जहाँ पे एक मेडिकल शॉप ओनर को, माखनलाल बिंद्रू को पहले निशाना बनाया गया था सबसे पहले, और उसके बाद एक वेंडर को निशाना बनाया गया। उसके बाद जो है टारगेट किलर का सिलसिला शुरू हो गया। पिछले साल भी ये पैटर्न देखने को मिला, बीच में गैप हुआ और एक बार फिर से जो है अब यहाँ पे कश्मीर में ये पैटर्न शुरू हो गया है कि टारगेट किलिंग, जितने भी नॉन लोकल वहां पे रह रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और कश्मीरी पंडित जो है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। इसी में जो है आपको बता दूं कि 3 अप्रैल से जो है ये शुरू हुआ है। 3 अप्रैल को पुलवामा में 2 ट्रक ड्राइवर को पहले निशाना बनाया गया, उनको जख्मी किया गया, और उसके बाद 4 अप्रैल को जहां में 3 हमले जो है एक ही साथ देखने को मिले, 4 अप्रैल को फिर से पुलवामा के लाजुरा में बिहार के 2 श्रमिकों को निशाना बनाया गया, उनके कमरे में घुसकर जो है उनपे फायरिंग की गई, जिसमें फिर जी उसके बाद सीआरपीएफ जवान को निशाना बनाया गया, जिसमें से एक दुखद बिल्कुल। खबर भी सामने आई कि एक सीआरपीएफ जवान जो है शहीद भी हुए। फिर उसके बाद 4 अप्रैल को रात को ही एक और खबर सामने आई, जहाँ पे कश्मीरी पंडित को फिर से निशाना बनाया गया शोपिया में। फिर उसके बाद जो है कल बीती रात को फिर से एक और हमला जो है देखने को मिला है पुलवामा में, जहां पठानकोट के एक ट्रक ड्राइवर को निशाना बनाया गया है, सोनू शर्मा नाम था, उसपे भी आतंकी हमला हुआ, और इस वक्त भी जो है जी वो हॉस्पिटल में है, वो जख्मी है। और इस तरह से जो है एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, लगातार हर दिन जो है इस तरह के अटैक जो है नॉन लोकल्स पे किए जा रहे हैं आतंकियों द्वारा। बिल्कुल, यानी कि टारगेट किलिंग जो है वो टेररिस्ट के द्वारा की जा रही है, और नॉन लोकल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके घेरे में हैं, और एक माहौल जो है ऑटोमेटिकली श्रेया खौफजदा होता हुआ नजर आता है। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिस्कशन पे हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, और बताने के लिए कि कश्मीर के सूरत हाल इन दिनों अगर ग्राउंड से जाना चाहें तो क्या कुछ है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी कुछ और अपडेट लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे। अभी के लिए आप हम दोनों को इजाजत दीजिए और बने रहिए जेके न्यूज पॉइंट के साथ। धन्यवाद।